ऐलान होगा। ठीक है, माइक क्लियर। चलिए आप उसको नीचे करिए, जगह बना लो। ये परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है जी, कोई ड्राइव नहीं है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये अब परमानेंटली ऐसे ही होगा। और मेरे साथ काउंसिल खड़ी है, इनकी मदद से ये सारा क्रेडिट, सारा श्रेय काउंसिल को जाता है, और इनके वजह से, इनके इनिशिएटिव से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और बहुत ही प्यार से हमने सबको पीछे खुद से किया है, दुकानदारों ने अपने आप को खुद से पीछे किया है, और हम कोशिश ये करेंगे कि एक भी इंसान हमारी वजह से अपना बिजनेस न खोए, क्योंकि उनका बिजनेस भी सरकार की जिम्मेदारी है, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कोशिश मेरी ये है और काउंसिल की भी कोशिश ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम अपने ही हैं, ये सारे अपने ही लोग हैं, इनको अगर हम लोग नुकसान पहुंचाएंगे तो भी हमारे पास शिकायत आएगी। सो नाउ द सेकंड थिंग इज़ कि जो हमने आज, आपने देखा, हमने इनको पीछे पीछे करवाया, अगर इनमें से कोई भी रस्सी हिलती है या वो आगे आते हैं तो चलान होगा, और वो जो पेनल्टी है वो म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से होगी और इन्हीं के खाते में जाएगी। तो मेरी सब लोगों से बड़ी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, जितने भी लोग इस बाज़ार में हैं, ये हमने शुरुआत की है, स्लोली ग्रेजुअली ये हम सारा कवर करेंगे, ताकि आम आदमी को आने जाने में दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़, आज मैंने 3-4 गाड़ियों की चाबियां ली हैं, और ये एक ड्राइव है और ये मैं करती रहूँगी। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट सबसे है, अगर आपकी गाड़ी वहाँ नहीं खड़ी होनी चाहिए और खड़ी होती पाई गई, तो मेरी टीम आपको चलान करेगी, आपकी चाबी ले लेगी, और आपसे पैसा जो है एज़ पर द मोटर व्हीकल एक्ट वो पैसा लिया जाएगा, जो कि कम नहीं है, 10,000 से ऊपर है सब कुछ, तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये एक चेतावनी मैं उधमपुर वालों को देना चाहती हूँ कि शुरू में मैं बहुत प्यार से, हमारी काउंसिल भी, हम भी बहुत प्यार से बात करेंगे, बट धीरे धीरे जब लोग नहीं मानेंगे या कोई ऐसी अड़चन हमें आएगी, तो हम एक्ट का भी सहारा लेंगे, जो आपके लिए, आपकी जेब के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। थैंक यू, जय हिंद।